माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है जी। ये असाधारण प्रतिभा है जी। इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जी। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, ये अटकलबाजियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं है। ये वीडियो योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी का है, जिन्होंने पीएम मोदी को भगवान का अवतार बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि वे जब तक चाहें पीएम बने रह सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह जब तक चाहें यहां तक पूरे जीवन प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, ये अटकलबाजियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भगवान का अवतार की तरह है, उनका जो शब्द निकलता है पूरा हिंदुस्तान उस चीज को मानता है। बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी बुधवार को संबल जिले के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में मेला श्री गणेश चौथ के संस्थापक डॉक्टर गिरिराज किशोर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंची थी। इस दौरान उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि कई नेता देश में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं। इस सवाल पर जवाब देते हुए गुलाब देवी ने कहा, यह प्रजातंत्र है, यहाँ कोई भी बयानबाजी सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, इसको हम ज्यादा महत्व नहीं देते और प्रधानमंत्री मोदी जी एक अवतार के रूप में हैं, वह असाधारण प्रतिभा के हैं, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ये अटकलबाजियों से वह प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं है, ना कोई दूसरा व्यक्ति आने वाला है। अटकलबाजियों से थोड़े कुछ होता है। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है जी। ये असाधारण प्रतिभा है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, ये अटकलबाजियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं है और ना कोई दूसरे व्यक्ति आने वाले। अटकलबाजियों से थोड़ी कुछ होता है जी। वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व तो हैं, मैं तो कहती हूँ वो अवतार हैं। भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है, तो पूरा वो जब जो चाहते वैसा करा। गुलाब देवी ने आगे कहा, वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं, मैं तो कहती हूँ कि वह अवतार हैं। भगवान ने उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है, वह जब जो चाहते हैं वह ऐसा कर देते हैं, समझे तो यह सब क्या है। वह चाहते हैं घंटा बजवा देते हैं, वह चाहते हैं मंजीरा बजवा देते हैं, कुछ भी करवा देते हैं। ये देखिए, उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो शब्द निकलता है पूरा हिंदुस्तान उस चीज को मानता है, इससे बड़ी मान्यता क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।